भाई ये फीलिंग अद्भुत है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ख्वाब, इसका सपना जब मैं पहले दिल्ली हेरिटेज के अंदर आया था तभी देख लिया था कि यहाँ से लोगों को देना है बहुत सारा एंटरटेनमेंट, और बदले में मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाऊँगा। और भाई ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत के साथ बाहर निकाला। बस आप जब आए थे एक अलग इमेज से आए थे, नाउ यू आर गोइंग आउट ट्रॉफी हाथ में, किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो? बस यही होता है कि आपको ड्रिंक पे आया, ड्रिंक पे आया, इसको और सब उसको बहुत प्यार देना है हमेशा की तरह, जैसे आप हम सबको प्यार देते हैं। ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। जब मैं शुरू को मैं नहीं बता पा था कि मैं लोग पता था कि ये समझा, मैं इसको बोला था कि जब मैं जाऊँगा ना ये बस एक बहुत खूबसूरत चीज़ होगी, और ये हमेशा वो लोग बताते हैं जो शो में जाकर अपने जान डाली है, और जो जान डाली है और जो भी हम सब करेंगे आपको, और अभी कहीं और भी जा रहा है। अरे भाई हो जाएंगे यार, भाई भाई कैसे होंगे, भाई 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 टोन दे भाई, इधर देख के क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरह का रिएक्शन? यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन जब 24 घंटे सातों दिन आपके कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो, तब आप सही में क्या हो उन लोगों तक पहुंचता है। भाई सेंटर लोग, मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे जिंदगी के, पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया, और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आपको प्रूव करने का। मेरे पास बहुत डिफिकल्ट ऑडियंस था, हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफिकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़े, तो मेरे साथ ये हुआ कि ऑडियंस की तो बहुत डिफिकल्टी मेरे लिए, बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ। काफ़ी वो दो मिनट की वीडियो आप जेल भी जा चुके थे, आप रियलिटी शो के जेल के विनर बन चुके, ट्रॉफी हाथ में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप मुनावर, आपने मतलब कहीं आपने योर लाइफ इज वेरी, मतलब आपने एक जेल में भी गए, आपने कई लोगों ने सपोर्ट किया है एक सेक्शन, लेकिन क्या आप आगे की जो जर्नी है उसकी कॉन्ट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज़्यादा देखो कंट्रोवर्सी से ही नाम बढ़ाना होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, हम दिन रात जोक लिखते हैं, ओपन माइक्स में जाते हैं, स्टैंडअप कॉमेडी रूम में, तो मुझे पता है व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर, जिनका सबका डीएनए अलग है, जो सब अलग सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना। और कहीं होता है कि एक उम्र है, एक एक्सपीरियंस है, इंसान सीखता है, तो जो एक्सपीरियंस है मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दुखा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आई। जी मैंने एक चीज़ खो दी जो है मेरी ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन, वो जो 24 घंटा सातों दिन मुझे जब देखते थे तो मुझे लगता है मैंने वो खो दिया, शायद वो भी अपसेट होंगे, बट मैं कोई ना कोई रास्ता चुन लूँगा, ढूंढ लूँगा उन तक पहुँचने का बहुत जल्दी। मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि अभी मैं बाहर जाऊँगा तो स्टैंड अप कमेडियन जितने भी है ना, उन्होंने ये 2 महीने मुझ पर 10,000 जोक बनाए, बट मैं जब जाऊँगा मैं वो पढ़ूँगा और मैं खुश होऊँगा, बहुत सारे मीम्स बने होंगे मुझ पर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो लिया कि मैं एक इतनी फेमस पर्सनैलिटी हूँ, मुझ पर जोक बनना वाजिब। तो हमारा ये होता है कि हम जब जोक बनाते किसी फेमस पर्सनैलिटी पर, हमारा काम ईजी हो जाता है, एवरीवन नो द कॉन्टेक्स्ट, ये सब जानते हैं कि करना है कि जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको बोला तो अपने जॉब करते हैं, तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज़ को लिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क।
ट्रॉफी के साथ थोड़ा करा दो।